जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी से मेयर प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए चुनावी मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी को सीधी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस और सपा समर्थित प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर की दौड़ में पहुंचते नजर आ रहे हैं। बसपा प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला को सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी जातियों के तेजी से बढ़ते समर्थन को देखकर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरी सत्ता को भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आना पड़ रहा है, जिसका कारण बसपा प्रत्याशी को संत समाज के साथ ही मुस्लिम समाज के धर्मगुरु का समर्थन प्राप्त हो रहा है। वही बात करें दलित मुस्लिम का गठजोड़ को मजबूत करने के लिए ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, कश्यप समाज, पाल समाज, साहू समाज के लोग लगातार बसपा प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वहीं आज यूसुफ जरीवाला चुनाव के अंतिम समय में पूरी ताकत झोंकते हुए बसपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ शहर में कई जगह रोड शो, पैदल यात्रा कर जनसंपर्क किया, वहीं कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। इसी क्रम में आज बसपा प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला ने वार्ड नंबर 31 कटघर में रोड शो के साथ ही जनसंपर्क कर 11 मई को होने वाले चुनाव में बसपा के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि जिस मजबूती के साथ सर्व समाज बसपा के साथ आ रहा है, उससे भयभीत भाजपा मेयर प्रत्याशी को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को बरेली बनाना पड़ रहा है, जबकि भाजपा के बरेली के सांसद, विधायक सहित मंत्री भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं, मगर बसपा के लगातार बढ़ रहे जनाधार के सामने भाजपा के लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क और रोड शो के बाद बाकरगंज ईदगाह के सामने ही विशाल जनसभा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने कहा कि मेयर चुनाव में इस बार बसपा का परचम लहराएगा। आप सभी की ताकत से बसपा प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला ही भाजपा को हराएगा। वहीं जनसभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ बसपा नेता तौफिक प्रधान ने कहा, आज से 22 साल पहले बरेली नगर निगम में बसपा के मोहम्मद फरहत मेयर बन गए होते, मगर उस समय भी सपा और भाजपा के गुप्त समझौते की वजह से बसपा का महल नहीं बन पाया था। उसके बाद बरेली की जनता को एक बार फिर मौका मिला है 20 साल पहले की गई गलती का सुधार करके यूसुफ जरीवाला को बरेली में बसपा का मेयर बनाने का। इसलिए आप सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, इस बार बसपा के मेयर प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला के पक्ष में मतदान करके उनको मेयर बनाएं। सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों, दलित बहुल क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों का चौमुखी विकास होगा। जनसभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला ने कहा, बहन कुमारी मायावती ने दूसरी बार बरेली से मुझे प्रत्याशी बनाकर आप लोगों को एक और मौका दिया है कि आप बसपा का मेयर बनाकर दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और नगर निगम से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 11 तारीख को बसपा के पक्ष में मतदान कर भारी मतों से विजयी बनाएं। यूसुफ साहब, एक तरफ संत समाज आपके साथ आया है और दूसरी तरफ मुस्लिम रहनुमा आपके साथ आए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो निजाम बनाया 10 दिन से, ये निजाम 6 महीने में बनता है, जो मेरे लिए का माहौल चल रहा है, तो माहौल सुखियाना माहौल चल रहा है। सरप्रस्त दरगाह की हुई है, खाने में सरप्रस्त हुई है, जो अगर आप मेयर बनते हैं तो किस तरह के योजनाएं आपने वहाँ के लिए बनाई हैं? सबसे पहले मैंने पहले भी चैनल माध्यम से कहा है कि बात उमर साहब की भी है और उमेश गौतम की भी है। ना उमर ने काम किया, ना उमर गौतम ने काम किया, ना सुप्रिया ने काम किया। काम लोगों ने किया है पिछले 2 दशक से, मैं देख रहा हूँ 20 साल से, नगर निगम के चुनाव भी देखे, मेयर भी देखे, कांग्रेस के भी देखे, सभा के भी देखे, बीजेपी भी देखे, ये तीनों लोग उन्होंने काम अगर कहीं किया है, वो किया है सिविल लाइन दिलाते हैं। आप चले जाइए सिविल लाइन रामपुरगढ़ में, आपको लगेगा बम्बई में आ गए, आप आ जाइए कटघर, आपको लगेगा कि हम देहात में आ गए हो। आप चले जाइए गोविंदापुर, आपको रास्ता नहीं मिलेगा नहीं। आप चले जाइए हजियापुर, आपको लगेगा हम 30 साल पहले आ गए। तो उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम वहाँ किया है जहाँ पर उनके संबंधित बड़े आदमी रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, जबकि विकास की जरूरत है गरीब लोगों सबसे पहले। यूसुफ साहब, पिछले 32 सालों में बरेली की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की, इसको आप किस तरह सही कराएंगे? हमने कहा मेयर बन के, अब हम चुनाव में लगे हैं, हम इंशाल्लाह मेयर बन के आते हैं, तो हम समाजाधिकारियों का सहयोग से पूरा डेवलपमेंट करेंगे। स्मार्ट सिटी के तौर पर हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अभी स्मार्ट सिटी नहीं है, स्मार्ट एरिए हैं,
सिविल लाइन की दो चार एरिया है, माइल पंप पहुँच जाइए आप, सिग्नल पहुँच जाइए आप, पूरा शहर भूत डाल दिया है, कोई प्लान नहीं है। पूरे अगर आपको काम करना है तो पूरे शहर को आप चार जोन में बांट दीजिए, एक जोन में काम कराइए, तीन जोन में फिर छोड़ दीजिए। यूसुफ साहब, स्मार्ट सिटी में जो है पुराने शहर को सेकंड फेज में रखा है, क्या ये बेईमानी नहीं है पुराने शहर के? बात मैंने क्या कहा, बेईमानी ये है कि वो अपने को काम देते हैं, अपना ही एक एक रोड की रिपेयर कराते हैं साल में चार बार, सिविल लाइन के लिए आप आइए शामनगंज से लेकर पहुँची में रिपेयर कर, पनमड़िया तक पहुँचिए, नवादे तक पहुँचिए, गोलिया पहुँचिए, कोई काम नहीं कर। अगर मैंने कहा कि बागरगंजा जाइए आप, कटघरा जाइए आप, सैन बाग आ जाइए आप, लीची बाग आ जाइए आप, कहीं उनको नाम नहीं पता होंगे, उनको पता नहीं है, वो कभी आए नहीं बीच में, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी नहीं है, हमने गरीबी देखी, हम गरीब परिवार से हैं, हम मेयर बनते हैं इंशाल्लाह ताला, तो सबसे पहले काम शुरू होगा, मैंने पहले भी चलने मदम से कहा है, सबसे पहले काम फिर शुरू होगा तो कटघर और हाजीपुर से शुरू होगा। थैंक यू जी। जैसे कि पिछली बार मोहम्मद फरद आज से 20 साल पहले चुनाव लड़े थे और सेकंड पोजीशन पर रहे थे, क्या आज फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचने की स्थिति में आप पहुंच गए? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने हमारे बीच में बरेली की रिपोर्ट के आधार पर एक मुस्लिम समाज के बच्चे को, मुस्लिम समाज के भाई को और मुस्लिम समाज के हर बच्चे हर चचे ताई को जो मोहम्मद यूसुफ साहब को टिकट देकर बहन जी ने बरेली के लिए मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा एक मिसाल कायम की है, और उस मिसाल के काम के आधार पर मैं वर्तमान की स्थिति को देख रहा हूँ कि मोहम्मद फरज साहब का मैंने चुनाव नहीं लड़ाया, मैं उसमें नहीं हूँगा, लेकिन मैंने मोहम्मद यूसुफ साहब का चुनाव जरूर लड़ा रहा हूँ। मैं वो गली मोहल्ले देख रहा हूँ जो मुझे मुस्लिम समाज का जो जोश दिखाई दे रहा है, वो एक अजीब गरीब जोश दिखाई दे रहा है, इस जोश को देखते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूसुफ साहब 11 तारीख को इतनी ज़बरदस्त वोटिंग होने वाली है, जिस तरह से जो माननीय बहन जी ने नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, केवल आपको मुस्लिम समाज का ही वोट नहीं मिल रहा है, आपको सर्व समाज का वोट मिल रहा है, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, सब समाज का वोट मिल रहा है। अगर हम आज बात करें आंकड़े की तो 1 लाख के समथिंग हमारा शेड्यूल कास्ट का जो पार्टी का कैडर का वोट है, दूसरा 3,27,000 वोट हमारा मुस्लिम समाज का है, तो कुल मिला के हम 4.5 लाख वोट में एक अकेले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हम देख रहे हैं, दूसरा जो 4 लाख वोट बचा उसमें 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी लड़ रहा है, एक समाजवादी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी लड़ रहा है। जिस तरह से आप महसूस कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमारे बहुजन समाज पार्टी के टिकट को लेकर के अपना टिकट सिलेंडर करा दिया है, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती, उन्हें लग रहा है कि मोहम्मद यूसुफ साहब चुनाव जीत रहे हैं।